बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। सबसे पहले तो तबीयत की अपडेट मज़ीद ख़राब हो गई है बेहतर होने के बजाय, लेकिन खैर इतना तो पता है कि कोविड नहीं है। लेकिन ये जो आजकल हर कोई बीमार हो रहा है, कुछ अजीबोगरीब सी वायरल चीज़ फैली हुई है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ख़ुद भी एहतियात करें और प्लीज़ घर में बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखें। मेरी तो तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन हमज़ा की भी तबीयत ख़राब है, नूर की भी ख़राब है, हसन पहले बीमार था। सिंपल सी बात है, एक तो एक्स्ट्रा एहतियात, और अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की चीज़ हो तो देन कोशिश करें कि रेस्ट करें और अपनी थोड़ी सी जो है ना अपने ऊपर थोड़ा सा तरद्दुद करें, एफर्ट करें। सबसे पहले मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगी आपसे व्यूअर्स, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। हम सब बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक की आमद से महीना पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो आपने राशन के बॉक्सेस लोगों को देने होते हैं, जो आपने यू नो रमज़ान में चीज़ें वगैरह तैयार करनी होती हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी अपने फ्रोज़न आइटम्स जो है वो तैयार करना शुरू हो जाते हैं। शरबत ऐसे होते हैं वो बना के रख देते हैं ताकि रमज़ान में ज़्यादा वक्त, क्योंकि आपका इबादत में गुजरता है, गुजरना भी चाहिए, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और जब नॉर्मल से डबल या ट्रिपल कीमतें हो जाती हैं चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखें, ये बात तो हम बार बार कहते हैं और आप जानते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए A+ ने, पब्लिक न्यूज़ ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, और उस कैंपेन का बुनियादी मकसद यही है कि जो शॉपकीपर्स हैं और जो दूसरे लोग चीज़ें बेचते हैं, जैसे अक्सर ऐसे होता है कि जिस ठेले से आप जाके फल ख़रीदा करते थे, उस ठेले पे अब फल जो है वो 3 गुना ज़्यादा कीमत का हो गया है। और पहले तो ये होता था कि रमज़ान के अंदर ये चीज़ें स्टार्ट होती थी, अब रमज़ान से 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं ताकि अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकें। सो व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है, अपने आप को थोड़ा सा एक अप्रोप्रिएट अंदाज़ में लेके चलना और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, यही अल्टीमेटली, देखें जान हमने रब ताला को देनी है, इंसानों को नहीं देनी। और ये जो दुनियावी पैसे की हवस में हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, इसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है, कैंपेन है, जो A+ और पब्लिक न्यूज़ ने आपके लिए तैयार किया है, आइए देखते हैं। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं, अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है, तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अकलमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्प करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करें। जी हाँ व्यूअर्स, आई होप कि हमारा ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन तक पहुँचेगा और वो अपनी कीमतों को ज़रा मुनासिब रखेंगे, और बल्कि कोशिश करेंगे कि आम आवाम को डिस्काउंट्स दें, ना कि मतलब पूरी दुनिया में आप देखें तो जब क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, तो चीज़ें सेलों पर चली जाती हैं, हमारे यहाँ चीज़ें डबल ट्रिपल कीमत की हो जाती हैं। खैर, ये बात तो हुई, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और बढ़ते हैं अपने हर्बल वीक की तरफ। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इमली और आलू बुखारे से रिलेटेड, और आपको गाइड करेंगे कि सर्दियों में, सर्दियाँ कह रही हूँ, गर्मियाँ जब आती हैं तो आपको पता है कि बहुत सी डिफरेंट ड्रिंक्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग इन्जॉय करते हैं, जैसे इमली और आलू बुखारे का शरबत, कांजी, स्कंजबीन, सत्तू वगैरह, और ये बड़ी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होती हैं, और रमज़ानुल मुबारक में तो बहुत ही ज़्यादा इनका बेनिफिट होता है। तो आज हमें गाइड करेंगे इमली और आलू बुखारे से रिलेटेड,
बुलाना चाहूंगी सबसे पहले अपने बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बस जी तबीयतें टॉप टॉप जा रही हैं। हाँ। सारी को एक बंदा डाउन होता है तो दूसरा होता है, मतलब अजीब सी कोई सिचुएशन चल रही है, लेकिन खैर अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करे। और नेक्स्ट अप हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हमारी हर्बलिस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी आपा, जिनको हम सारे आपा कहते हैं, इवन जो उनके एज ग्रुप के होते हैं। नहीं यार आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। आपने तो आपा बहुत ही चलाकी की ना, आपने डे वन से ही अपने आप को आपा बना दिया कि सारे मुझे आपा बुलाए। मुझे ऐसी आती है जब इनसे ज्यादा एज के लोग कहते हैं जी आपा है, नाम लाइक आपा खुदा का वास्ता है। एंड मेरी सहेली प्यारी सी, जो आज लग रहा है कि आज आज मेरी वो हालत है जो कल इनकी थी, मासूमा ज़ारा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। तीनों मुझे हर्बल टोट के बताया कि जो मेरे दिमाग में मुझे लग रहा है ना, ऐसा जहाज चल रहे हैं इस वक्त। होता नहीं है वो जो एक साइनसेस में इशू होता है और लगता है जैसे कोई दिमाग में मुक्के मार रहे हैं, वो बड़ा हाल हुआ है। बट खैर इम्पॉसिबल सी बात है कि जब हम सारे साथ जमा हों तो मैं ना हूँ। ऑल्सो मेरा इसका एक वो भी होता है ना, एक साइड का एक उसके अंदर बेनिफिट, वो ये कि मुझे टोट के मिल जाते हैं कि मैंने करता क्या है। सो आज हम आलू बुखारे एंड ऑफकोर्स इमली से रिलेटेड बात करेंगे। वैसे तो इमली की अभी बात करते हुए भी मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि खट्टी होती है, लेकिन इमली से इन दोनों चीज़ों से क्या बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं आपा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल, हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। अब देखिए गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही जगह जगह आपको आलू बुखारे और इमली के शरबत के ठेले नजर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आपा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ठेलों से पीने के बाद फिर टाइफाइड हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है घर में। तो घर में क्या बनाएंगे ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और नैयर आपा वाहिद बंदा जो तैयार है, बाकी सारे अपने खेत तमाशे कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आप भी तैयार है मासूमा ज़ारा, क्या बात है आपकी। आज फैसल भाई ज़रा अपनी स्पीडें लगा रहे हैं चीज़ें कंप्लीट। अभी ये डिसाइड हो रहा था कि किसके साथ स्टार्ट करना है, किसके साथ स्टार्ट करना है, किसके साथ स्टार्ट करना है। मैं कहूँ नैयर आपा के साथ कर लेती, वो एवर रेडी होती हैं, वो नहीं भी रेडी होती तो वो रेडी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई ठीक हो जाए, इमली की कॉली में हाथ डाल के मैं धोल रहे हैं इमली को आप। अच्छा चले ये चीज़ें तो अब हम छोड़ें। हाँ जी उनाब। हाँ जी उनाब, सही कहा है ना? हाँ, ये देखा ना, मैं सीख गई हूँ आपसे। जोबा हो, और हमने इमली के बेनिफिट्स की बात करनी है। कुछ मैंने भी अपनी लिखत पढ़त की होती है व्यूअर्स, आलू बुखारा जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए होती है, राइट आपा? हाँ जी। और इसमें विटामिन सी और आयरन भी शामिल होती है। आलू बुखारे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा होता है और कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को रोकता भी है। इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और आलू बुखारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे हमारी स्किन भी बेहतर हो जाती है। अब हम इमली की अगर बात करें, अच्छा व्यूअर्स इमली के बारे में आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। हर बंदा कहता है खट्टी है हमने नहीं खानी। जब पढ़ा इमली के बारे में, बेसिकली आपके बाल अपेरेंटली इमली से बड़े अच्छे हो जाते हैं, वेट लॉस भी आपका इमली से होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल ठीक होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो, मेरी एक दोस्त थी उसने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार तुम्हें पता है कि कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन हल क्या है? मैंने कहा ये सब कोल। कहती है नहीं, थोड़ा सा इमली का पानी पी लो। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है हाँ दैट्स द, तो ये तो एक बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन ये भी हल है। आपका खून साफ करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, तो ये दोनों बड़े बेनिफिशियल चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेन चीज़ सारी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो भी चीज़ें हैं बेनिफिट्स की आपने बात की जुगन, बेसिकली ये अल्कालाइन है। इसको हम किसी भी तरह से यूज़ करें क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं पी रहे होते, तो बॉडी को जो है वो अल्कालाइन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखेंगे
तो डेफिनेटली आप कैंसर और इस तरह की कोई भी जो है वो क्रॉनिक जितनी भी डिजीज है आप उससे बचे रहेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले बात करते हैं कि मौसम चेंज होते साथ ही, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्नी, एलर्जीज, ख़ारिश, हेयर फॉल होना, इस तरह के इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो एक तो जो है वो इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे स्कूल से आए, आप बना के रखें, आप ये उन्हें दे सकते हैं। जो बच्चियां हैं जिनको जो है वो टीन एज में है, एक्नी स्टार्ट हो गई है, वो इसको जो है वो निहारमू ले सकती हैं। इसका सिंपल जो है वो बनाने का ये तरीकाकार है कि इमली और आलू बुखारा को जो है वो आप रात को जो है वो भिगो दें, कोशिश करें कि कच्चे प्याले के अंदर भिगोएं, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आप जीरा डाल दें, एक चुटकी इसमें काले। अच्छा, आप भुना हुआ जीरा के नॉर्मल जीरा? आप नॉर्मल जीरा डाल दें, भुने हुए की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल डाल दें, भुना हुआ पड़ा है भुना हुआ डाल दें, ठीक है, रात भर भिगोना है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्नी के इश्यूज हैं तो इसके अंदर आपने सात जो है वो 6 से 7 दाने उनाप के भी भिगो देने हैं, बस भिगोने, कुक शुक नहीं करने, नहीं करने। अच्छा। रात सारी भीगे रहेंगे, सुबह को ये सारी चीज़ें जो है वो सौगी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको कांटे के साथ अच्छी तरह से इसको मैश करें, ठीक है, और ये इसमें काली मिर्च एक चुटकी और एक चुटकी काला नमक, ठीक, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। इसको जो है वो कच्चे प्याले में आपने जो है वो सारी रात के लिए भिगोना है, उससे यह कि इसकी तासीर और ज़्यादा जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसको निहार मुँह पीने से जो है वो जुगन बहुत ज़्यादा जो भी इश्यूज़ हैं इस तरह के, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको नहीं लें, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, तो इस वजह से जो है वो लो ब्लड प्रेशर वाले इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, बाकी इसको जो है वो हर कोई जो है वो ले सकता है। अमेजिंग, हाँ, ठीक है। जिनको जो है वो मौसम चेंज होते साथ ही जुगन मैंने देखा है मोस्टली गर्मी दाने जो है वो स्टार्ट, पित्त कहते हैं उसको, हाँ, निकल आती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है, उनके पसीने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एसिड होता है, एसिडिक पसीना होता है, ऐ की कीता है अब्बा क्योंकि ये चटनियां बना रही थी ना, चटनियां बना रही थी और ये सच बोले ना कि मेरे लिए हल्दी पीस रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो ये होता है लाड। हाँ जी बिल्कुल, ये होता है लाड। हाँ, थैंक यू। अच्छा, हाँ, तो फिर ये हो गया। हाँ जी, इसको जो है वो निहार मुंह आप जो है वो ले, तो ये आपकी सारी जो प्रॉब्लम को किस तरह पिलाएं, टीनेजर्स को कैसे पिलाएं? टीनेज को नहीं दें आप, टीनेज के नहीं, 5 साल से ऊपर के जो भी हैं आप 5 साल से ऊपर दे सकते हैं, टीनेजर से मुराद 13-14 साल के बच्चों के मुंह पे पूरे पस वाले दाने निकले। नहीं तो वो ले ना, इसको पी, बड़े मजे का बड़ा जबरदस्त ड्रिंक है ये, खट्टा मीठा सा है, तो टीनेज मेरे ज़हन में शायद 6 महीने की नहीं, 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 वो बेबी को तो नहीं, हाँ। नहीं, 3 या 4 साल तक के बच्चों को आप थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, गला खराब या इस तरह के इशूज होते। टीनेज के लिए तो मैं कहती हूँ जो ये कमाल की रेमेडी है, एक्नी वगैरह के लिए कोई एक्नी जेल या एक्नी की मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, इसी के साथ जो है वो ऑयल भी कंट्रोल होगा, एलर्जीज भी ठीक होंगी और एक्नी भी इसके साथ ठीक होगी, ठीक है। अभी आपको बोतलों में डाल के बेचना चाहिए, नहीं मजाक नहीं कर रही, हाँ। टॉनिक के तौर पे लोग इतने गंदे गंदे टॉनिक मार्केट में बेच रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसके बाद आगे रमजान आ रहा है, तो ये वाली चटनी जो है वो आप पूरे रमजान के लिए घर में ही बना के रख लें। तो इसको जो है वो जुगन हमने, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, इसके लिए 1 पाव जो है वो खुश्क खुबानी, 1 पाव आलू बुखारा, 1 पाव इसके अंदर इमली, इसको आप 1 किलो पानी के अंदर जो है वो भिगो दें, ठीक है, 1-1.5 घंटे के बाद इसको हल्की सी आंच के ऊपर चढ़ा दें, आधा पानी जब ड्राई हो जाए इसको मैश करते चले जाएं, इसके अंदर जो है वो फिर गुड़ डाल दें, गुड़ के साथ जो है ये इसकी जो है वो बहुत अच्छा इसका और फ्लेवर आता है, तीखा पान है थोड़ा सेटल हो जाएगा। हाँ, उसमें फिर हम साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और काली मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दें, तो ये इतनी जबरदस्त चटनी बन जाएगी पकौड़ों के साथ आप। लेकिन इसको लें, कितनी देर चलेगी? देखिए रमजान में ना हर 3-4 दिन के बाद जब इतनी इतनी बोतलें चटनियों की बनानी पड़ती है, बड़ा मसला हो जाता है, तो अगर 4-5 दिन बंदा बना ले तो कितनी देर चलेगी? हाँ जी, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ये 8-10 दिन आपके आराम से जो है वो चल जाएगी। नहीं बट कितने दिन इसको, ये खराब नहीं होगी, पूरा महीना पड़ी रहे, यानी कि साफ सुथरी बोतल में, स्टेरलाइज बोतल में बंद करके रखें। इसके अंदर साथ आप थोड़ा सा सिरका डाल दें। अच्छा, जब आप सिरका ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल भी जो है वो खराब नहीं होगा, इसको छोटे छोटे से जो है वो कंटेनर में करके, बल्कि बड़ा प्यारा गिफ्ट भी है लोगों को देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल दीदी, ये क्या है? हाँ जी, ये शरबत बनाया, ये इसका आमला और आलू बुखारे का जो है वो शरबत, आमला और सॉरी इमली, आलू बुखारा और इमली, मैंने कहा आमला, इतना आप हर चीज में इस्तेमाल करती है, हमें आमला पिला देंगे? इमली और आलू बुखारे का शरबत, इसका भी यही तरीकाकार है कि इसको जो है वो आप 1 पाव आमला और इमली ले, 1 पाव थोड़ी सी वेव्स आ रही है इधर से, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुझे लग रहा है मैंने आपा को बीमार कर दिया।
पापा के चेहरे पे अपने बच्चे देख के ऐसी मुस्कुराहट नहीं आती, अपने हस्बैंड को देख के ऐसी मुस्कुराहट नहीं आती जितनी ये मंजन देख के इनको खुशी होती है। आपा क्या है आपको प्रॉब्लम? इतनी खुश होती है जब इनके सामने जड़ी बूटियां पड़ी हुई होती है। मैं देख रही होती है कि ये कौड़ी होगी, ये इसका अजीब सा टेस्ट होगा, ये नाक खाने के काबिल ही होगी। आपा देख रही थी बढ़िया फादियत है इन चीजों में, राइट? बिल्कुल पैशन है। ये भी आपके ही बच्चे है, बिल्कुल जैसे ये शो मेरा बच्चा है, बिल्कुल वैसे ये भी हम सबका ही बच्चा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो इस शो को भी पालने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है, जिसमें से हमारी फैमिली यहाँ पे साथ खड़ी हुई है। ओके जी, मजारा। अच्छा जी, इमली की बात हो रही थी तो मैं इमली के बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि इमली पुरानी जितनी होती जाती है उतनी ही उसका फ्लेवर एसिडिक होता जाता है। तो वो लोग जिनको जोड़ों की तकलीफ़ है, वो लोग जिनको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और ऐसे लोग कि जिनको गैसेस रहती हैं, ब्लोटिंग रहती है, तो वो पुरानी इमली का इस्तेमाल नहीं करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। वरना हम होते हैं कि जो पैकेट की काली सी इमली ज़्यादा खट्टी होती है, हमें लगता है कि वही सबसे अच्छी है, हालांकि ऐसा नहीं। जितनी ताज़ा इमली ले सके वो उसका इस्तेमाल। हमारी टीम में जिस जिस को गैस की प्रॉब्लम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पुरानी इमली ना खाना, नई इमली खाना सिर्फ। अच्छा जी, पहले मैं आपको एक फिर इसकी पहचान भी बता दीजिए। जी देखिए, एक ये तो आपको इजीली मिल जाती है, ये सबसे आसान तरीका है ताजा इमली लेने का। इसमें ठीक है, इसकी जो इमली है, अच्छा ये ताजा इमली है और ये मीठी होती है। कीड़ा लगता है, इट लुक्स लाइक अ कीड़ा। हाँ। और आप इसकी शक्ल देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट है। अब अगर आप इसकी शक्ल देखो तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरह इसकी शेप है। सो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और इनफर्टिलिटी में ये बहुत। अगर कॉन्स्टिपेशन ना और बंदा खा ले तो क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, ज्यादा खाने से ही होगी। अब प्रॉब्लम है कि इमली कितनी खानी चाहिए। इमली के दो तरह, ये मीठी होती है, इट्स मीठा। गाइस प्लीज, अगर इस तरह की इमली मिले तो ये खरीदे तो बड़े मजे की। इट्स लाइक अ कैंडी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद इसकी जो है वो खटास बढ़ती चली। और ये लेग्यूम उसमें बीन्स फैमिली में आती है, बिल्कुल आती है। कहाँ थी मेरी सारी जिंदगी, कहाँ थी तुम? अब ये व्यूअर्स ही बिकने लग जाएगी क्योंकि ये जो है ना, जुगे ने कहा है कि ये खानी है। नहीं मैंने देखी है पहले, हाँ, लेकिन कभी हम ट्राई नहीं करते। यार अब इसको छील लूं और फिर इससे बनाएं तो नहीं, वही वाली ले लेते हैं इमली। ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इमली के अंदर ये है कि ये आपके हाजमे को बेहतर करती है। इमली अगर आप ज्यादा खा लो तो ये भूख को रोक देती है। उस वक्त तो आपको लगेगा कि जिसने बहुत हाजम है और हम खा रहे हैं और मज़ा लेने की, तो जिसने अपना हाजमा बेहतर करना है, जिनको भूख नहीं लगती, वो इमली का इस्तेमाल। अहमद हाशमी, मेरे मजीद इमली खाने के आप शॉर्ट्स ना बनाएं प्लीज, ठीक है? स्टॉप इट। सो ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा इमली खाने से भूख रुक जाती है। ऐसे जो आप टोटके या कुछ ऐसा करो जिसमें आपने बच्चों की भूख बढ़ानी है, तो आप उसको एक्सेस कर दोगे तो बच्चों की भूख बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक हाजम आपको, मेरी भूख बढ़ जाएगी इससे, ज्यादा खाओगी तो मर जाएगी। डेली का एक किलो इमली खाएंगे। इधर गंध का लेवल चेक करें मेरा और आपा को, कुछ हो रहा है सफाई करना जरूरी है। मैं कर लूंगी ब्रेक में, टेंशन ना ले। अच्छा जी, मैं ये हाजम बता रही हूँ। ये हम वजन लेना है आपने काला नमक, जीरा, अजवाइन और मुलट्ठी सौंफ। फिर बता दूं, मुलट्ठी लिए आपने एक टीस्पून अगर सौंफ लिया है, एक टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून अजवाइन। इसके साथ आपने दो से चार बड़ी काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची ले लेनी है और साथ में मीठा सोडा, ये तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके साथ फंबल डे आज के प्रोग्राम का नाम है आज का डे फंबल डे। अच्छा मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आप बोल रही हैं बीच में तो मेरा ध्यान आ रहा है। मेरी बात सुनो मासूमा, हर बार वैसे इन्होंने भी किया आज घर भांड, वैसे मैं प्लीज अब आप सही बोल रहे हैं, बड़ी बेइज्जती होगी। अच्छा जी, मुलट्ठी है, सौंफ है, काला नमक, जीरा, अजवाइन और बड़ी इलायची, इसके साथ मीठा सोडा हाफ टी स्पून, ये सब एक एक टी स्पून है, ये हाफ टी स्पून है। इमली का पाउडर इस वक्त नहीं था तो ये मैं बना हुआ लाई हूँ, तो इसी के अंदर दो चम्मच इमली का पाउडर बन डाल देंगे। जब वो डलेगा तो ये इस तरह का हाजम तैयार हो जाएगा। ये डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। जिनको कब्ज़ हो वो हाफ टी स्पून इसको रात को
ठंडे पानी के साथ फांक लें, गर्म पानी के साथ ले लें। जिनको जोड़ों में दर्द है वो गर्म पानी के साथ लें, जिनको जोड़ों में दर्द नहीं है और वो ओबीस हैं या वाटर रिटेंशन है तो वो ठंडे पानी के साथ। यार जल्दी बना दो और ताकि मैं पी लूं ना। ये चखने वाला है ना? नहीं अब इसमें भी कुछ मेरा अच्छा मुंह का टेस्ट नहीं खराब कर। नहीं नहीं बहुत मजे का है, मैंने टेस्ट किया। दैट्स नाइस। पास हो गया व्यूअर्स। दैट्स नाइस। तो ये आपका बेस्ट हाजम बन जाता है। बट ये चुटकी इस तरह ये हाफ टी स्पून के करीब लेना है अगर कॉन्स्टिपेशन है, भूख को ठीक करना है तो। आज मेरे प्रोड्यूसर साहब अहमद हाशमी को कुछ हो रहा है, हर दो मिनट बाद जिधर मैं कुछ चीज खा रही हूँ पी रही हूँ उसके शॉट्स ले रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? स्टॉप फैट शेमिंग मी। एनीवे तो ये आपका हाजम तैयार हो गया ये इमली से। अब हम आ गए हैं डी वॉर्म करने के लिए। बच्चों को, बड़ों को, जिनको भूख ज़्यादा लगती है, जिस्म फरबा नहीं होता, पतले रहते हैं, राग को मुंह में से राल टपकती है, दांतों को किचकिचाते हैं, उन बच्चों के लिए जिनको डी वॉर्म करना। बच्चों को तो वैसे ही हर तीन महीने के बाद, दो महीने के बाद डी वॉर्म करना चाहिए। एक मिनट, अगर मुंह से राल निकलती है तो उसका मतलब है पेट में कीड़े। बहुत मेन इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन। और अगर बड़ों की निकलती है तो बहुत बड़ी इंडिकेशन। ठीक है, अब इसकी हम चाय बना रहे हैं, कहवा। कहवा बना रहे हैं। इसमें अनारदाना लिया मैंने हाफ टी स्पून। आलू बुखारा। एक सवाल आया, सॉरी, क्योंकि जब हमारी टीम भी कोई क्वेश्चन करती है तो मैं पूछती हूँ, अगर 6 माह के बच्चे की भी राल सोते हुए हो तो, तो उसको भी करने की जरूरत है? डेफिनेटली। अच्छा एक चीज और बात आपको बताऊँ कि जब भी डीवर्म करना है जी, तो फिर पूरी फैमिली को करना है। बिल्कुल, किसी एक को करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो खास तौर पे जिस घर में जूते नहीं पहने जाते, हाँ, जैसे बिस्तरों पे आप, मेरे अंदर कीड़े हैं, बिस्तर पे आप बैठते हैं, बिस्तर पे बच्चे बड़े सब बैठते हैं, कीड़े पड़ गए, तो वो बिस्तर से भी आपके पाओ के जरिए वर्म्स जाते हैं। तो इसलिए पूरी फैमिली को डीवर्म करना, फैमिली को। तो ये कहवा जो है हर 2 से 3 माह के बाद 3 दिन के लिए रात को पिया जाए तो ये आपको नेचुरली डीवर्म करता है। आपको किसी किस्म की कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। अनारदाने के साथ आपने आलू बुखारा डाला। आलू बुखारा मेन इन्ग्रीडियंट है इसमें क्योंकि यही डीवर्म करने के काम आता है। साथ में आपने गावजुबान, ये लाजमी, क्योंकि जब भी पेट में कीड़े होते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ये ज़रूर होता है, तो उसके लिए गावजुबान लाजमी डालें। लग रहा है मैं खुद एक कीड़ा हूँ। और पुदीना, पुदीना लाजमी डलेगा, 1 मुट्ठी 12 के करीब ये पुदीना। ये कितना पीना है? ये 1 कप रात को सोने से पहले 3 दिन। ये रेगुलर नहीं पीना, ये नहीं करना कि अच्छा ये हो गया तो हम हर थोड़े दिन के बाद पी लेंगे, वो भी नहीं। फौरन मुझे 1 कप दो। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 दिन पी के फिर रिपीट कितने अरसे के बाद करना? 3-4 माह के बाद रिपीट करें और ये करते रहना चाहिए क्योंकि इससे क्या है कि आपकी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ बहुत बेहतर होती है, बड़ों की हेल्थ बहुत बेहतर होती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कहते हैं उम्मुल अमराज है मैदा, अगर आप मैदे को ठीक रखते हो तो उसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बाउल सिस्टम ठीक। एक सवाल, आपको कौन सा? हाँ, एक और सवाल। और तेज पात, अच्छा, ये भी डाल दिया। अब डीवर्मिंग, एक तो राल की बात की ना, बट मतलब क्या कीड़े पेट में है उसका कोई मेडिकल तरीका है पता करने का, कोई टेस्ट या स्टूल टेस्ट होते हैं? कुछ सिम्टम्स होते हैं, एक तो ये मुंह से राल टपकती है, हाँ जी। दूसरा ये कि जो ये हमारा ब्लू हिस्सा है, ये वाइट हिस्सा है आइस का, हाँ। इसके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्म्स हो जाए तो ब्लू डॉट्स आ जाते हैं। ओके, बच्चे ये बड़े सोते हुए पाँव जो उनसे है ना बहुत रगड़ते हैं या बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, मुझे बड़ी एंग्जाइटी शुरू हो गई है, ठंडे पसीने वाले ब्रेक के बाद वापस आए, सोचते हैं मेरे कीड़ों का क्या करना है। हाय अल्लाह, ना करो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने बाकी दोनों लड़कियों को सोफ़ा पे बैठा दिया है क्योंकि ये मस्तियाँ कर रही हैं और ये हमें काम नहीं करने दे रही, तो मैंने आप और मसूमा को बैठा दिया कि तुम लोग साइड, सही है ना? बिल्कुल सही। ये बाज नहीं आ रही, सीरियस नहीं हो रही आज प्रोग्राम में, मेरी बीमारी सबको चढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर वैसल, क्या बनाने वाले हैं? उम्मीद करता हूँ कि मैं फंबल के बगैर कर लूँगा इंशाल्लाह। और ये आप निकाय तो अब देखेंगे, अब देखते हैं। अच्छा दाने जिन बच्चों के निकलते हैं या गर्मियाँ आ रही हैं, छिपाकी हो जाती है, पित्त उछल जाती है,
नैयरा पनीर भी एक बड़ा अच्छा सा टोटका बताया, मैं आपको एक बाकायदा इसका एक नुस्खा बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम डालेंगे, ये है पनीर डूडी, पनीर डूडी। ठीक है, ये हम पांच दाने पानी में डाल दें। ठीक है, इसमें ये होती है ग्लू, इसको ग्लू ही कहते हैं। ग्लू? हाँ जी, ग्लू कह दें, ग्लू कह दें, कोई भी। इस तरह से दो छोटी डंडियाँ सी हमने इसमें डाल दी। ये है गुले नीलोफर, ये एक फूल डाल दें, और ये है सफ़ेद संदल। ठीक है, ये इतना सा। इसमें हम डाल देंगे एक से दो आलू बुखारे। ठीक है, और इसको जो उनसा है पूरी रात भिगो के रख दें। सुबह जो उनसा है सिर्फ इसका पानी जो उनसा है वो हमने निथार के और पीना है, छान के पूरी रात ये इस तरह पड़ा रहे। सुबह छान के इसका पानी पी लें, और ये तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पी लें तो इंशाल्लाह छपाकी यकनी जो पित्त उछल जाती है वो सब कुछ खून साफ़ी है। एक तरह से एज तक के बच्चे 12 साल से ऊपर के कोई भी बच्चे पी सकते, यानी कि छोटे बच्चों को अगर पित्त का इशू है तो ये नहीं देना। हाँ, 12 साल से ऊपर के बच्चों को दे दें और हफ्ते 10 दिन दे के फिर रोक दें। उसके बाद रिपीट करना हो तो फिर एक हफ्ते के बाद शुरू करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ये ख़ास तौर से यरकान हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जॉन्डस। और दूसरा बात ये कि जो जिगर के अमराज जितने भी हैं उन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भी हम लेंगे संदल, इसमें हम डालेंगे ये है तुख्मे कासनी आधी चमची। ये सारी चीज़ें जो आपने नैयरा पने और मासूमा ने बताई, ये पंसारी की दुकान, जो चीज़ें आपको ग्रोसरी से नहीं मिलेंगी वो पंसारी की दुकान आराम से मिल जाएंगी। और ये मैं खाली ये नुस्खा बमुश्किल आपका 8-10 रुपये 20 रुपये का बन जाएगा। ये है वो गया तुख्मे कासनी, ये गया है हमारा तुख्मे काहू। ठीक है, ठीक है, ये सब एक एक चमची या आधा चमची एक मेजरमेंट से लेनी। और ये है तुख्मे कुल्फा, कुल्फा नहीं आता वो जिन सा हमारी एक मेथी की तरह की आती है कुल्फा, ये वो। ठीक है, तुख्मे कुल्फा इक्वल अमाउंट्स में। और ये हम डाल देंगे इसमें भी आलू बुखारा। अच्छा, इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने बॉयल करना। अच्छा, ओके, वो हमने ऐसे ही पीना है। इसको हमने बॉईल करना है इतना कि जैसे एक गिलास है तो आधा गिलास रह जाए, कहवा बनाना है। और ये आपने दोपहर को खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। ठीक है, ठीक है, दिन में 2 दफ़ा भी पी सकते हैं लेकिन दिन में 1 दफ़ा काफ़ी होता है। और इसको जो सा है तकरीबन 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिगर के जो अमराज हैं, जिगर में गर्मी होना, यरकान वगैरह, उन सब के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद। ठीक है, अब आपको एक से बताता हूँ, इमली की भी चीज़ बता, इमली की बता रहा हूँ, अब आप इमली की तरफ आते हैं। अच्छा, खा के इमली हमने अपने हालत ख़राब कर लिया सब ने। इमली की एक चटनी बताता हूँ, इमली की चटनी हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। ओके, ठीक है, इसमें हरी मिर्च लेंगे थोड़ी सी, 2 ले लें, और कोशिश कीजिए कि इसके बीज निकाल लें तो अच्छा है, वरना बीजों से थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है। आप डालें जो आप डाल रहे हैं, मैं अपना खेल तमाशे कर रही हूं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पुदीना है, पुदीने और इमली की वैसी चटनी बड़े मज़े की, बड़ी मज़े की। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चमची करीब ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें पिंक सॉल्ट या जो भी नमक आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए, थोड़ी सी मिर्चें, और बहुत सारा ये इमली का पल्प। लिक्विड की आपको ज़रूरत है ना? ज़रूरत, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो उनसा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको, पक्की सी बताइए, ये आप खाने के साथ इस्तेमाल करते रहें तो ये इंशाल्लाह आपको हाजमा भी दुरुस्त रखेगी, प्लस ये है कि आपको जो जिगर का मसला है वो भी ठीक रहे। इमली आलू बुखारा दोनों का कम्बिनेशन जो ना आपका सबसे ज़्यादा जो चीज़ों पे असर करता है वो जिगर है, और जिगर ठीक काम कर रहा होता है तो आपके बहुत सारे स्किन के हेल्थ के इशूज़ जो उनसे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बट यू सी, ये क्योंकि फ्रेश चटनियाँ होती हैं तो इनको आपने एक मैक्सिमम 2 दिन में यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, इसमें अनारदाना डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं, बिल्कुल, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अरे मुंह में चटनी चली गई, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, आप लोग हंस रहे व्यूअर्स और पुनु, लेकिन खैर डन हो गया। ठीक है, ये चटनी हमारी बन जाएगी और ये खाने के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ये आपको इंशाल्लाह हाजमा आपका दुरुस्त रखेगी। अभी है टाइम हमारे पास? हाँ जी,
एक मिनट चलें, फिर आपको एक अच्छा सा फौरी तौर पे ग्लोइंग के लिए एक मास्क बताता हूँ। जिन लोगों को होता है ना कि कहीं निकलना और फौरी तौर पर स्किन को टेस्ट नहीं, लेकिन मैं चटनी ट्राई करनी है ज़रूर। हाँ जी बताएं कि बिल्कुल जो सा आपको फौरी तौर पर ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत मज़े कि फौरी तौर पर आपको ग्लो चाहिए तो घर में बेसन लें एक चम्मच, उसमें इमली, आपको पता है इमली बहुत अच्छी आपके ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट, अच्छा इसका पल्प चाहिए ना? इसका पल्प चाहिए। ठीक है ठीक है, ये डाल दें और इसमें बेशक थोड़ा सा पतला कर लेंगे हम, पानी डाल लें, अरके गुलाब डाल लें, कोई भी चीज़ डाल। ठीक है ठीक है, इसका पेस्ट बना के 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें, फौरी तौर पर आपकी स्किन जो सी है एक टोन लाइटर हो जाएगी, प्लस ये है कि आपको ग्लो आ जाएगा स्किन के ऊपर फौरन। अच्छा लेकिन थोड़ा सा पैच टेस्ट ना पहले कर लें इमली जब भी खाएं, क्योंकि इमली से इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, तो इसलिए इमली को जब भी फेस पे लगाएं तो ज़रूर 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 टेस्ट कर लें। पहले साइड में ना कान के पीछे थोड़ी देर लगा के छोड़ दें, नेक्स्ट डे चेक करें, अगर उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो देन यू आर गुड टू गो। जैसे कुछ लोगों को लीमू से भी हो जाता है डायरेक्ट लगाने से, तो उसका ज़रूर चेक कर लीजिए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बल्कि छोटी सी ब्रेक के बाद सोनू डेंजरस एंड मिसेस डेंजरस के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अब वक्त हो गया है आपको रॉयल फैन की तरफ से एक अमेजिंग न्यूज़ देने का। सबसे पहले तो एज यू नो रॉयल फैन के फैंस आर अनबिलीवेबल, अभी ये जो बाल भी हवा में उड़ रहे हैं ये रॉयल फैन की बदौलत उड़ रहे हैं। एंड मौसम आपको पता है कि कुछ ऐसा आ गया है कि इस वक्त ना तो बहुत गर्मी है ना ही सर्दी है, ये परफेक्ट टाइम है www.royalfans.com जाके अपने फैंस, अपने रूम कूलर्स को ऑर्डर करने का। और अगर आप अपने सीलिंग फैंस को अपग्रेड करना चाहते हैं या पुराने हो गए हैं, अक्सर फैंस में इश्यूज आ जाते हैं, रॉयल फ़ैन की ये गारंटी है कि इट इज़ अ लाइफ टाइम गारंटी। और इनके बहुत से न्यू अराइवल्स हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। उसके साथ साथ लाइक आई सेड इनके रूम कूलर्स, पेडिस्टल फैंस, सीलिंग फैंस, ब्रैकेट फैंस, आई मीन देयर ऑल अमेजिंग। लेकिन जो अमेजिंग न्यूज़ है वो ये है कि रॉयल फैन वॉशिंग मशीन RWM8012T, ये जो नया अमेजिंग मॉडल रॉयल फैन का आया है, रॉयल वॉशिंग मशीन आई है, इसका अल्ट्रा फोर्स पल्सेटर एंड डायनामिक वॉश ड्रम आपके सख्त से सख्त दागों को फौरन निकाल देता है और आपके फैब्रिक को भी डैमेज नहीं करता। साथ साथ बहुत ही आसान है इस्तेमाल करना। बहुत से लोग वॉशिंग मशीन लेने से लिए घबराते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है। इसका पावर जेट स्ट्रीम सिस्टम गंद और डिटर्जेंट दोनों को बहुत अच्छी तरीके से फैब्रिक से, कपड़ों से निकाल देता है और आपकी जो फैब्रिक है उसमें से बहुत अच्छी फ्रेश सी स्मेल आती है और साफ़ सुथरा होता है। आपको गारंटी मिलती है 6+1 ईयर्स की। इसके मतलब अगर आप स्पेसिफिकेशंस पे जाएं तो बहुत ही अमेजिंग है। इट रियली इज़ अ स्मार्ट वॉश। इसकी ब्रांड वारंटी भी सबसे बेहतर है मार्केट में एट दिस पॉइंट। वॉशिंग कैपेसिटी 8.5 kgs है, सो काफ़ी ज़्यादा मकदार के कपड़े आप एक टाइम पर धो सकते हैं। और रस्ट प्रूफ है, इसको जंग नहीं लगता क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है और अंदर से भी इस तरीके से ये बना हुआ है कि इसको जंग नहीं लगता। ये भी बड़ा मसला होता है कि जंग लग जाता है और कपड़े बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा कोई भी इशू आपको रॉयल की वॉशिंग मशीन में नहीं मिलता। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि बाय न्यू रॉयल वॉशिंग मशीन और आपको गिफ्ट मिलेगा रॉयल वॉशिंग डिस्क का, अगर आप अभी www.royalfans.com पे जाएंगे और रॉयल की ये अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन को ऑर्डर करेंगे। और सीज़न ऐसा है कि कुछ पंखे भी ऑर्डर कर लीजिएगा। खैर ये तो हो गई ये बातचीत, अब एक डेंजरस सी मोमेंट आने वाली है, डबल डेंजरस मोमेंट। पहले तो सिंगल डेंजरस होती थी ना, अब डबल डेंजरस मोमेंट है। सोनू डेंजरस एंड फिजा डेंजरस।
वैसे तो व्यूअर्स वेलकम बैक, और मुझे तो हैरानगी है कि सोनू अगर इतना अच्छा गाता है तो डांस पे अपना टाइम क्यों जाया करता है। वैसे डांसर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बोथ ऑफ देम अमेजिंग पावर कपल जो हम कहते हैं। अभी इनसे जानेंगे कि आजकल हो क्या रहा है। हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी रेसिपी रह गई थी जी, अभी ये मैं बता रही हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए जिनको सर दर्द रहती है, जिनका आयरन कम है, जिनकी जोड़ों में दर्द रहती है, थकावट रहती है, फटीक फील करते हैं, ये एड्रेनल फटीक के लिए बहुत अच्छा है। गुर्दों का टॉनिक है, जोड़ों का टॉनिक है, तो इसको ज़रूर आप अपने नाश्ते में हफ्ते में एक से दो बार इस्तेमाल करें। और अगर आयरन फेरेटिन बॉडी में कम है बहुत ज़्यादा, तो इसको रेगुलर बेसिस पे लेने से आपका वो भी बेहतर होता है। इसमें अरारोट और माश की दाल, सॉरी अरारोट, फिर आज कोई बाकी दिन ऐसा है कि जिसके अंदर जो है ना गड़बड़ हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल इंसान बन के खड़ी हुई हूँ, फिर मेरे पे सॉरी जी। इसमें सिंघाड़े का आटा और माश की दाल का आटा है, हम वजन लेना है एक टेबल स्पून, ये डालो तकरीबन, पूरा नहीं डालना, एक टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा और इसको हल्का सा भून लीजिए। रात के भीगे हुए आलू बुखारे और उसका पानी भूनने के बाद ये इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा भून जाए क्योंकि मैं इसको पानी में बना रही हूँ, बच्चों को देना है तो आप इसको दूध में भी बना सकते हैं। तो इसमें आयरन की कमी किस तरह है, इसकी वजह से आलू बुखारे की वजह से, आलू बुखारा जो है वो बेस्ट आयरन आपको प्रोवाइड करता है, मतलब मीट के अलावा जो एक बेस्ट सोर्स है ना। बिल्कुल, ये भून जाएगा, इसकी खुशबू अच्छी से आने लग जाएगी, तब तक आप अपना पल्प आगे, इसमें हमने ये आलू बुखारे का पल्प डाल देंगे। ठीक है, मैंने 5 के करीब आलू बुखारे हैं इनको लिया है, 1 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा और माश की दाल का आटा ये ले लिया, और ये पानी को हम इसके बीच में डाल देंगे, बीच को आप बाद में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, पानी थोड़ा और डालूंगी मैं। अच्छा ये है कि, और अपनी टेस्ट के मुताबिक बहुत थोड़ी चीनी या गुड़, गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे इस वक्त चीनी थी, हम चीनी डाल रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार सा एक सुबह का नाश्ता बनेगा, इसके अंदर नट्स डालना चाहें साथ में नट्स भी डाल लीजिए, बच्चों के लिए बहुत नरिशिंग है, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, थकावट फील करते हैं, सर में दर्द होती है, उनके लिए एक बेस्ट सुबह का नाश्ता बन जाएगा। और ये एज अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट दे दें, मतलब प्रॉपर ब्रेकफास्ट है ये, इसके अंदर दूध डाल दें तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही प्रॉपर ब्रेकफास्ट है। बीच में नट्स, खासतौर पर बादाम का अगर डाल दें, बादाम और अखरोट वो साथ में डाल दें तो ये आपका नर्व टॉनिक भी बनता है। असल में होता ही है ना कि जब आप इसको कुक करते हैं तो वैसे ही इसके बीज जो है वो अलहदा हो जाते हैं, हो जाते हैं, और बीज अगर बीच में आ भी जाएं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, बच्चों के लिए कह रही हूँ मैं, तो चले मैनेज कर ही लूंगी, और खाना भी मैंने ही है, और ये है हमारा, और बाय द वे झटपट, इट्स नॉट, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये सबसे ज्यादा जिनको घुटनों की तकलीफ है, जिनको बड़े जॉइंट्स का दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। देयर यू गो। और मतलब अगर आपको डाइटिंग ड्यूटिंग भी कर रहे हैं तो इतना सा तो आप ले ही सकते हैं। बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल। आ जाए मैं सुमा जी, जरा मिस्टर एंड मिसेस डेंजरस से जाने के आजकल मसरूफियात क्या हैं इन मासूम मासूम बच्चों की। और जी व्हाट्स गोइंग ऑन, टोटके भी बता रहे हैं ना तुम दोनों जी। को आप रात सारी रिहर्सल करते रहे और सोए नहीं है, और सोनू ने 50 ताने मुझे मारे हैं। अच्छा, 50। कल मेरा एक इवेंट था, परफॉर्मेंस के बाद हम लोग आए तो फिर हम रिहर्सल्स कर रहे थे, क्योंकि आज हमारा न्यू सॉन्ग है वो रिलीज हो रहा है, उसका टीजर रिलीज हुआ है। मैं न्यू सॉन्ग की अभी बात नहीं करनी, पहले मुझे रॉकस्टार के रिस्पांस बताओ। रॉकस्टार का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और हर तरफ से बेस्ट चीज और वीडियोस के वीडियो बाइट्स भी लोग बना के भेज रहे हैं, डांस वीडियोस भी आ रहे हैं। तो मैंने बल्कि सबको बोला भी हुआ, जितने भी डांसर्स हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ प्रमोट किया जाए, तो मैंने तो सबको बोला हुआ कि जो भी डांस वीडियो मेरे किसी भी गाने पे बनाना चाहता है बनाकर मुझे सेंड करें, मैं अपने हर सोशल मीडिया सबसे मैं अपलोड कर रहा हूँ लोगों के, और जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें कुछ ऐसा होगा, वो खुद ब खुद सबको नज़र आ जाएगा, तो यही एक चांस होता है। अच्छा फिजा, आपको कैसा रिस्पॉन्स आया, बिकॉज सोनू तो चलो मतलब यू नो फॉर यू You're not new, but newer than Sonu, exactly, right? हाँ. So, ये बताओ कि आपका आपको कैसा response और feedback आया? मुझे लगता है जितना अच्छा मुझे response मिला है, I don't think so Sonu को मिला होगा, क्योंकि मुझे सब ये कह रहे हैं इस दफ़ा तुमने बहुत change इस दफ़ा
क्योंकि हमने पहले भी सॉन्ग्स किए लेकिन रॉक स्टार में बहुत चेंज आई हो तुम, बहुत चेंज तुम लोगों ने सब चीज़ें की हैं, तो मुझे लगता है मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि ये तो काम कर ही रहे हैं. ऑब्वियसली सबको पता है डेंजरस हैं, लेकिन अभी तक सबको नहीं पता था कि मैं इनसे भी ज़्यादा डेंजरस हूँ. अब आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं हूँ. असल में रीज़न ये था, और गरूर फिजा ने कभी नहीं किया. ये जरूर करती है, जरूर नहीं करती, जरूर नहीं करती. वो सिर्फ हस्बैंड के लिए होता है, बाकी बाकी किसी के लिए नहीं. अच्छा, बट विद अ स्मॉल बेबी किस तरह मैनेज करती हो? जैसे आज आपके शो पे हम लोग, मेरे ख्याल से आपके रूम में. एग्जैक्टली, सो रही है, सॉरी, बच्चा मेरे कमरे में. हां, बेबी से क्यों नहीं मिल रहे अभी? वो बहुत छोटी है, वो सो रही है. पता है उसका, हम लोगों ने, मैंने उसका टाइम सेट किया हुआ है कि रात में वो जागे और वो दिन को सोए. वैसे सीरियसली, क्योंकि हमारा कॉन्सर्ट होता है, फिर वो अगर वो दिन को भी जागेगी तो मैं तो 24 घंटे जागती रहूंगी. आवर हस्बैंड्स एज यूजुअल बेड पे साथ में खराटे लेके सो रहे होते हैं. हस्बैंड को नहीं है कि उठा लग रहे घर पे मसले चल रहे हैं दोनों के. कोई नहीं, गाने वाले नहीं निकाल ले. अच्छा, मुझे खवातीन की ये बात ही समझ आती कि भाई एक हस्बैंड मेरी बात सुनो, कोई क्रेडिट नहीं देते कि ये बात नहीं समझ आती. जब भी तुमने डायरेक्ट फिजा को बात नहीं करनी होती ना, सोनू ऑन एयर बैठ के कहता है ये जो खवातीन होती है हम पे क्यों मलबा डाल रहे हो? आप उससे डरते हो भाई? इसलिए कि आप लोग बताएं, आप भी ऐसे करती हैं? यानी कि एक बंदा है वो बाहर जाता है काम करता है मेहनत, वो भी काम करती है सोनू. मैं यही सोनू, वो भी काम करती है सोनू. सेम, जब काम दोनों करेंगे. काम खाना भी मैं खुद ही बनाता हूँ, कपड़े मैं खुद धो लेता हूँ, मेड धो लेती है, बेबी को मेड संभाल लेती है. ये सब झूठ है, ये मेरे बॉयज हैं, मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मुझे सुबह उठ के इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ता. मुझे पूछे आप ही, आपको नाश्ता करना है? जी ठीक है. सुनो, फुल प्रोटोकॉल्स है मैडम, मेड को भी हमारे घर में बहुत प्रोटोकॉल है. मेरे बॉयज बहुत बहुत कोऑपरेट करते हैं. मेड मेड एंजॉय कर रही होती है बस, यहाँ आयरा को देख रही हूँ. मेड ने तो हर वक्त वो लगाई होती है ना, हैंड फ्री लगाई होती है. वो मैंने उसको आपके गाने का यूज़ टू कर. अब आपको सोनू के और फिजा के घर के सारे मामला पता चल गए हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हमने असल में आपा को आज टास्क ऐसा दे दिया ना, हमने आलू बुखारा और इमली दोनों कह दिया. आपा को आधी चीज बतानी चाहिए क्योंकि उसके उनके पास करोड़ टोटके होते हैं, तो जब दो फुल चीजें होती है तो थोड़ा लंबा हो जाता है मामा. जी आपा बताइए. हाँ जी जुगन, जिन लोगों को जो है वो ब्लीच सूट नहीं करती है, सेंसिटिव स्किन होती है लेकिन बाल जो है वो फेस पे बहुत ज्यादा होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि बालों की ग्रोथ भी कम हो और बाल जो है वो कोई केमिकल यूज किए बगैर गोल्डन हो जाए, तो जो इमली का पानी है ये ब्लीचिंग एजेंट भी है. ये स्किन को ब्लीच करने के साथ साथ जो है ये बालों को भी जो है वो गोल्डन करेगा. इसके लिए जो है वो 3-4 टेबलस्पून जो है वो आप, हाँ जी, इमली का पानी लेंगे. यानी कि 6 टीस्पून हुए ना, 3 टेबलस्पून. हाँ जी. अब इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी. 1 टीस्पून के करीब. हाँ जी, ये ले, ये आ गया. हाँ जी. और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मूली के बीजों का पाउडर. आपने इसका पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा है. मूली के बीज जो है वो एक तो बालों को जो है वो गोल्डन करते हैं, स्किन की टोन को जो है ये बेहतर करते हैं. अगर थोड़ा सा पतला है तो इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी जो है वो आप और ऐड करें, मतलब दोनों उतने उतने इक्वल मिकदार में हम डाल दें. हाँ जी. और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप राई का पाउडर, कितना आप, 1/2 टीस्पून डाल दें. ठीक है. हाँ जी. राई का पाउडर जो है ये आपको पता है मस्टर्ड पाउडर, ये भी जो है वो स्किन की टोन को भी जो है वो बेहतर करता है. फ्रैकल्स वगैरह हैं अगर जो है वो स्किन में ग्लो नहीं है तो ये जो है वो आपकी स्किन की टोन को इवन करेगा. आपके बालों को जो है वो तकरीबन 3-4 जो है वो लाइटर लेके आएगा, यानी कि ब्राउन सी जो है वो बालों की टोन हो जाएगी. और डेड सेल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को, हाँ जी, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बन गई. इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो फेस पे लगाएं और मसाज करते हुए फेस को वॉश कर दें. सही. तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ बेहतर हो जाएगी. अच्छा जुगन, इसके बाद बच्चियों को होता है कि हमारे जो बालों का कलर है ब्लैक है तो हमने बालों का कलर जो है वो लाइट करना है. हाँ. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाएँ, कट डाउन करवाएँ. आप इमली के पानी के साथ, इमली का पानी आप इसके अंदर डालें, इमली के पानी के साथ और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप इसका राई का पाउडर डालें.
क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो खटास होती है, तो जितनी जो है वो सिट्रस चीज़ें हैं, ये आपको पता है कि ब्लीचिंग एजेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो अगर बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ को बेहतर करना है, तो साथ ही आप जो है वो 1 टेबल स्पून तकरीबन आंवला पाउडर डाल दें। ठीक है, हाँ जी, ये मैं 2 इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये टीस्पून है, तो हाँ टेबलस्पून की जब बात करते हैं याद रखिएगा 1 टेबलस्पून 2 टीस्पून के बराबर हाँ होता है। और 1 टीस्पून इसमें बालचर पाउडर आप डाल दें, ये बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है, गिरने से रोकता है, नए बाल जो है वो इसके साथ जो है वो ग्रो होते हैं। हाँ जी, ये इस तरह से होता है बालचर, जिस तरह से बाल होते हैं ना, इस तरह से एक हब है, तो इसका पाउडर डाल के ये आपकी इस तरह से जो है वो एक कलर, आपकी हेयर डाई बन जाएगी, ये आपके बालों के कलर को 2-3 टोन जो है वो लाइट भी करेगी, बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगी, यानी कि ये ग्रे हेयर को जो है कवर नहीं करेगी, यानी कि अगर माइंड में ये है कि ग्रे हेयर को, ये अगर आपके बालों में ग्रे हेयर नहीं है, बच्चियाँ हैं वो चाह रही हैं कि थोड़े बाल जो है वो शाइन आ जाए, इसमें ब्लैक स्टोन ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जो है ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद जो है वो एक फाइनल रेमेडी बता दें आप, हेयर के लिए जो है वो इमली का जो है वो आप पानी लें, क्योंकि इमली का जो पानी है ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब आप एलोवेरा जेल डाल दें। ठीक है, इसे बना लो। हाँ जी, और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो इसके अंदर आप कोई भी साथ जो है वो जो आपका फेवरेट ऑयल है आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल इसके अंदर जो है वो चंद कतरे डाल सकते हैं, तो इन चीज़ों को, और इसके अंदर अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर जो है वो मेहंदी डाल दें, ताकि एक पेस्ट सी जो है ये बन जाए। अगर आपको है कि नहीं आप स्ट्रिकिंग करवा रहे हैं, डाई करवा रहे हैं, तो फिर इसके अंदर बेशक आप मेहंदी को ऐड नहीं करें, तो मेहंदी डालने से जो है वो बहुत अच्छी एक शाइन आ जाती है बालों के अंदर, तो बालों की ग्रोथ को भी मेहंदी आपको पता है कि बेहतर करती है, तो ये बहुत बेस्ट है। और डैंड्रफ को भी अगर आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल लेंगे तो ये डैंड्रफ को भी जो है वो ख़त्म करेगा। और ये रूट्स में लगाना, रूट्स लेंथ एंड सारे आप जो है वो लगा लें बालों में, तो इसके साथ देखना मेहंदी के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये थिक हो जाता है। हाँ जी, बस इतना लगाएं कि वो लगाने के, वो मतलब लगाने के काबिल हो, बहुत ज्यादा थिक ना हो, जिस तरह मुंह के लिए बनाते हैं, बट इस तरह का हो। ये देखें ना, अब ये जैसे बड़ा एक लाइट सा पेस्ट बन गया, ये देखें ना ऐसे करके इस टेक्सचर का। अवॉइड करें कट डाउन करवाने से, और हेयर डाइज जब आपकी नेचुरल चीजों के साथ बालों में शाइन भी आ सकती है, एक कलर टोन भी जो है वो आपकी बेहतर हो सकती है बालों की, और बालों की ग्रोथ इसके साथ आपकी बेहतर हो सकती है, तो कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आपा। और अब वक्त हो गया है रॉक स्टार देखने का। रॉक स्टार एक बहुत ही अमेजिंग सी, खैर इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, 1 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ बढ़ चुके हैं। सोनू डेंजरस, फिज़ा डेंजरस और ऑफकोर्स सज्जाद, मुजाहिद, चांद और हसनैन हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक अमेजिंग सी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे वाओ, टीजर ये क्या है सोनू? आप पूछ रही थी ना कि आजकल क्या चल रहा है, तो रॉक स्टार तो चल ही रहा है, लेकिन हमने कहा कि क्यों ना अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो हम दूसरा गाना भी रिलीज कर देते हैं। बेपरवाहियां तो रॉक स्टार ये बिल्कुल डिफरेंट है रॉक स्टार। एग्जैक्टली वो अच्छा, मैंने बाय द वे सॉन्ग देख लिया है ब्रेक में, मैंने देख लिया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड बिल्कुल ऑपोजिट है रॉक स्टार का। सो ये कब रिलीज हो रहा है? ये आज रात को, आज 8 बजे के करीब सोनू के, आप डेफिनेटली जाइएगा यूट्यूब के चैनल पे। यूट्यूब का चैनल का नाम सोनू डेंजरस के नाम से, सोनू डेंजरस के नाम से सोनू का यूट्यूब का चैनल है, आपने डेफिनेटली जाके चेकआउट करना है। देखिए व्यूअर्स, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है जी। अब जो नया ज़माना आ रहा है, ये सोनू और मैं ये डिस्कस कर रहे थे, अब ये रैप का ही ज़माना है, लेकिन रैप का मतलब ये नहीं है कि जो भी अल्फाज मिले, आपने ये वर्ड्स किया, मैं सोनू की बात ही रिपीट कर रही हूँ, मैं खुद नहीं क्रेडिट ले रही इस बात का, कि लोग अल्फाज जोड़ जोड़ के, जो दीवार पर कुछ पड़ा वो भी बोल दिया, इस तरह नहीं होता बिल्कुल। इसमें भी आप देखें, अगर रैप भी आप लिख रहे हो, है शायरी ये भी,
ठीक है, लिरिक्स बड़े काउंट करते हैं किसी भी गाने के लिए या किसी भी बात के लिए, तो उसमें काव्या का मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर आप पंच कहाँ छोड़ते हो, उस रैप का एंड क्या करते हो, स्टोरी एक स्टोरी है पूरी। अच्छा फिजा, बकायदा ये इसमें एक्टिंग की रिक्वायरमेंट थी? ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक्टिंग की है, बहुत मुश्किल थी। मैं आपको अक्सर नहीं कहती, मुझसे सीरियस एक्टिंग नहीं होती, पता नहीं क्यों। और ये टोटल उस तरह टोटल डिफरेंट था। खैर मैंने एक दो दिन पहले मैंने घर पर मिरर के सामने प्रैक्टिस कर ली थी। मैंने कहा सोनू डेंजरस के साथ काम करना ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। ये प्रॉपर पंजाबी सॉन्ग है और इसमें समझ लगे थोड़ा मैच्योर काम भी है कि जो ऑडियंस हमारा इस टाइप की कंपोजिशन टाइप मेलोडी सैड म्यूजिक सुनती है वो भी है। इसमें रैप भी है, न्यू जनरेशन को भी मैंने देखा है और जो हमारे दौर की जनरेशन है समझ लें हमसे पहले की, उसको भी मैंने देखा है। मैंने कोशिश की है एक कमर्शियल चीज़ बनाऊँ इस देखो ना, मुझे फौरन पिछली जनरेशन में डाल देना ऐड किया ना ताकि इसकी बचत हो जाए। बचपन से मैं तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा मैं आपको जो रैप की बात हो रही है, मैं आपको इसका एक रैप का पार्ट सुनाता हूँ थोड़ा सा। आपने वो नोट करना है कि मैं इसका जो पंच है वो कहाँ जाके छोड़ रहा हूँ और शुरू किससे करता हूँ कि लड़की है जो मैं से चाहता हूँ तो वो मुझे चीट कर देती है जो गाने में ना, पूरी बात तुम बता दो ताकि मतलब थोड़ा सा। तो फिर मैं उसको रैप में यानी कि क्या कह रहा हूँ, दिलो कर दासी लव तेनू एस डी तेरी हर अदासी मेरी जान कड दी सीने लाई रखे आ तेनू यारह साल छड बड़िया नू किता बस तेरे नाल प्यार तेरे लॉन्ग ब्राउन हेयर ग्रीन ग्रीन आइज तेरा डोलस फेस मुझे लगा बड़ा नाइस मैं ही हूँ तेरा हीरो यही बोली थी तू राइट तेरी बाहों में बातों में आई स्पेंड ऑल नाइट्स बड़ा कर दी रही तू मैनू चीट नाले कहती रही बड़ा स्वीट जे कर दिया तुझे मैंने जिंदगी सिर्फ यूज अज चलेगी टीवी उत्ते ब्रेकिंग न्यूज होए तेरी बेवफाइया इतना सब कुछ सारी स्टोरी वही बात है। देखिए अब आजकल के रैप में आप गालियां सुनते हैं exactly. वायात बातें सुनते हैं। उस दिन मैं अपने बेटे हमजा को डांट रही थी क्योंकि म्यूजिक की मुझे आवाज आई ऊपर से तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे म्यूजिक सुने। अच्छा मैं ऊपर गई कि मैं साथ उसके बैठ के म्यूजिक सुनूंगी। मैंने जब उसके अल्फाज सुने मैं इतनी ऑफेंड हो गई। मैंने कहा हमजा पागल हो गए हो, ये मेरे मामा आजकल ऐसा ही म्यूजिक होता है। मैंने कहा बेटा सुनना चाहो तो तमीज का म्यूजिक भी होता है। बात यह है कि जो जनरेशन हमारी न्यू समझ लें कह लें आप, ये फॉलो करते हैं गोरों को, तो गोरे उनका एक कल्चर और है यार हमारे यहाँ तरबियत और फिर तालीम। एग्जैक्टली हमारे यहाँ एक तरबियत भी है और उनका कल्चर और है। वो उनके क्लब्स में उनके हर तरफ वो वैसी लैंग्वेज चलती है, उनके लिए नॉर्मल है ये, उनकी स्ट्रीट लैंग्वेज है ये। भाई वो तो एक दूसरे को गाली देके एक दूसरे को मुखातिब होते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी आप कुछ भी बोल दो भाई, कैसे बोल दो जो आपके सामने। मैं पीछे कॉन्सर्ट किया उधर भी इतने सारे रैपर्स हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं और ये नहीं देख रहे सामने फैमिलीज बैठी हुई हैं बीच में इसी तरह के अब्यूज कर रहे हैं और गंदी गालियां इवन इंग्लिश में भी नहीं। बट यही तो बात है ना कि फिजा अल्टीमेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा तो चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए ना। exactly, हाँ, ना कोई देखता है। खैर एनीवे दिस इज एन अमेजिंग न्यू सॉन्ग। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफा हमें अगर यहाँ ऑन एयर भी सुना दो लाइव तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक हिस्सा तो सुना दिया। जैसे रॉकस्टार आपके शो में हमने लॉन्च किया था तो मेरी नईम भाई से कल बात हुई है अहमद भाई से, तो उन्होंने बोला कि कल आप हमारे शो में आके इसको लॉन्च कर रहे हो इस गाने को भी। और मैंने कहा कि जुगन जी के शो हमारा फेवरेट शो है, हम लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। रॉकस्टार के 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है इसके, इंशाल्लाह 10 मिलियन से ज्यादा होंगे। बहुत सी दुआएं और बहुत सा प्यार। ओवर टू यू गाइस, सुनते हैं हम बेपरवाइयां।
क्या?